नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ हूं फरहा सदीकी। सीएम योगी ने आज नोएडा को जमकर तोहफे भी दिए। सीएम योगी ने एक तरफ जहां नए कमिश्नर कार्यालय का उद्घाटन किया, तो वहीं दूसरी तरफ कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। और क्या कुछ दिया है योगी आदित्यनाथ ने नोएडा को, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। अपने नोएडा दौरे पर आए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के कायाकल्प का संकल्प लेकर के आए हैं। अपने दो दिन के प्रवास के दौरान योगी ने नोएडा के विकास पर ध्यान लगाया हुआ है और इसकी शुरुआत उन्होंने नोएडा के सेक्टर 108 में नए पुलिस आयुक्त कार्यालय का उद्घाटन करके किया और इसी के साथ नोएडा के पुलिस कमिश्नर को अपना कार्यालय मिल गया है। अब तक नोएडा के पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह सूरजपुर पुलिस मुख्यालय के SSP दफ्तर में बैठ रहे थे, लेकिन नए कमिश्नर के दफ्तर के साथ साथ नोएडा में कमिश्नरी सिस्टम भी लागू हो गया है। हालांकि कमिश्नर कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद सीएम योगी ने कहा, यूपी अब तेजी से विकास की राह में आगे बढ़ रहा है। बात विकास की चल रही है तो सीएम योगी ने 2800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं में सेक्टर 38 से GIP के पास की मल्टी लेवल पार्किंग भी शामिल है। इतना ही नहीं, योगी ने नोएडा विकास प्राधिकरण की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इसके अलावा सेक्टर 38 से बोटेनिकल गार्डन में बन रही बहुमंजिला वाहन पार्किंग और सेक्टर 5 में पार्क के नीचे बन रही पार्किंग का भी शिलान्यास किया। बता दें कि इन दोनों पार्किंग में करीब 7500 वाहन खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा सीएम योगी सेक्टर 151 में गोल्फ कोर्स और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बनने वाले दो अंडरपास का शिलान्यास करने के साथ ही बायोडाइवर्सिटी पार्क सहित कुछ अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ यहीं नहीं रुके, उन्होंने नोएडा के अलग अलग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की और विकास कार्यों में कितनी तेजी आई है उसकी जानकारी भी ली। नोएडा के विकास को लेकर सीएम योगी जिस तरह से एक्शन मोड में हैं, उससे सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ इतनी तेजी से नोएडा के विकास में क्यों लगे हुए हैं, तो हम आपको बताते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ नोएडा को यूपी की आर्थिक राजधानी मानते हैं। उनको पता है अगर नोएडा का विकास हुआ तो यूपी के विकास में तेजी आएगी, इसलिए सारी कोशिशें सीएम योगी कर रहे हैं, क्योंकि 2022 तक योगी को दिखाना है कि उन्होंने यूपी के विकास के लिए कितना काम किया है। इसलिए योगी अब न सिर्फ नोएडा बल्कि यूपी के बाकी शहरों में भी तेजी से विकास करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। खासकर बनारस, इलाहाबाद और नोएडा के विकास पर सीएम काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि योगी को अपने विकास के वादे को भी पूरा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज़। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरों का सफर रहेगा जारी, देखते रहिए जनसत्य न्यूज़। नमस्कार।